I'm sorry, उस दिन तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, मैं रुक नहीं पाया। तबीयत कैसी तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। सुबह मैं उमैर के बारे में जानना चाहता हूँ। उमैर के? मैंने सादिया को तलाक तो दे दी है और भी बहुत कुछ जान चुका हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूँ मैं ज़ोबी। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम कब से जानती थी उमैर के बारे में? वो भाई मैं तुम परेशान मत हो, तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि सादिया और उमैर का कब से चल रहा था, और अगर तुम्हें इस बात का पता था तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं डरती थी। तुम्हारे इस डर ने दर्द की जिस सूली पर लटका दिया ना मुझे, तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है ज़ोबी। I'm sorry, I'm really sorry। मैंने तुम्हें कहा था ना, माइंड योर ओन बिजनेस। मेरे मामले में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो भी करूं, जो तुम कर रही हो वो गलत है सुंबुल। अपने लिए सही या गलत मैं अच्छी तरीके से जानती भी हूं और समझती भी हूं। मेरे भाई को मेरे खिलाफ भड़काना बंद करो। अहमर भाई ने ऐसे अचानक पूछा कि मैं तो परेशान ही हो गई थी। ऐसा लगा जैसे उनको सब कुछ पता चल गया हो। वो जानते हो कि तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा किया ज़ोबी तुमने नहीं बताया, मेरे लिए मुश्किलात और बढ़ जाती। फर्क नहीं है ना ये सब बातों का। तुम्हारी वजह से तो चुप हो जाती हो, वरना यकीन करो मेरे दिल से अब हर डर और हर खौफ निकल चुका है। जानता हूँ मैं, मेरी मोहब्बत ने तुम्हें निडर बना दिया ना। बस थोड़ा इंतजार कर लो ज़ोबी, सही वक्त आने पे मैं तुम्हें खुद नहीं रोकूंगा। कर लेना मोहब्बत के इकरार। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तुम्हें पता है ना तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बेफिक्र रहो, और अब तुम रिलैक्स करो। हम कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखना।